हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैनोनिकल क्लासेस। अभी तक आपने पढ़ा कि बोल को हमने इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पढ़ लिया, जिसका हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, एन इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आपका जो भी आपका स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो हम लेते हैं एसटीपी में, दैट वाज 22.4 लीटर्स, या हम एमएल में बात करें तो 22,400 ml। ठीक है, तो ये तो कंडीशन थी जब हमें एसटीपी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे एसटीपी मेंशन नहीं है, या फिर एसटीपी के अलावा और कंडीशंस गिवन है, तो अब आप क्या करेंगे वहां पर। ठीक है, तो अगर एसटीपी की कंडीशन ना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे और कौन सी कंडीशंस लगेंगी, तो वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि हमें एसटीपी पर जो कंडीशंस गिवन, जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो क्या है, एन इज इक्वल टू गिवन मोल डिवाइडेड बाय, गिवन मोल को हम किससे डिवाइड करते थे, 22,400 ml से डिवाइड करते थे। क्लियर है, हम इस मोल को इससे डिवाइड करते थे। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक इक्वेशन है। अगर हम टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन बदल देते हैं तो हम एक नई इक्वेशन लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आइडल गैस इक्वेशन भी बोला जाता है, आइडल गैस इक्वेशन भी बोला जाता है। ये आपके स्टेट्स ऑफ मैटर 11th क्लास की केमिस्ट्री में जो टॉपिक है, जो चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखें कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज एन आइडल गैस इक्वेशन। ठीक है, जहां पे पी जो है इज अ प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, पी को हम प्रेशर ऑफ गैस बोलते हैं, वी आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, अब यहां पे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, एंड t इज इक्वल टू टेम्परेचर। t क्या है, टेम्परेचर, t आपका क्या हो गया, टेम्परेचर। और जो आपको यहां पे r दिख रहा है, r इज इक्वल टू यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, फाइन। ठीक है, तो ये आइडल गैस इक्वेशन आपने देख लिया क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आपकी एक आइडल गैस इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन आई कैसे, थोड़ा सा वो समझते हैं। चलिए एक आइडिया देखते हैं कैसे आया ये सब, कैसे किया। अब हम सपोज कर लेते हैं, सपोज मेरे पास एक सिलेंडर है, सपोज मेरे पास ये एक सिलेंडर है जिसके ऊपर मैंने पिस्टन लगा दिया, फाइंड आउट, ये मैंने लगा दिया एक पिस्टन। चलिए इस पिस्टन पे पहला जो वॉल्यूम था वो आपका है V1, ओके। ऑन अप्लाइंग प्रेशर, अब मैं क्या कर रही हूं, इस पे अप्लाई कर रही हूं प्रेशर, तो मैं यहां लिख देती हूं ऑन अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर अप्लाई कर रही हूं इसके ऊपर, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, कॉन्स्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, ये मैंने कंडीशन खुद प्रोवाइड करी है उसको। ठीक है, जब मैंने टेम्परेचर को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे, जब हमारे पास तीन ही वेरिएबल टर्म्स होती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो बारी बारी से हम इन तीनों को एक एक बार कांस्टेंट करके देखेंगे कि हमारी गैस क्या इफेक्ट शो कर रही है, फाइन। तो सबसे पहले मैंने यहां पे टेम्परेचर को, आप यहां पे लिख सकते हैं टेम्परेचर को, मैंने सबसे पहले क्या रखा है आपका, कांस्टेंट कर दिया। तो इस सिलेंडर के ऊपर जब मैंने पिस्टन रखा हुआ है, अभी इसके अंदर गैसेस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ओके। अब आप ये ना सोचे कि इसमें गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, खाली कंटेनर है, नो बिल्कुल भी नहीं, ये इसके गैसेस मॉलिक्यूल्स है, मैं आपको किसी और कलर से ये मॉलिक्यूल्स आपको शो कर रही हूँ, फाइन, ये इसके गैसेस मॉलिक्यूल्स है। अब ये गैसेस मॉलिक्यूल्स पे मैंने अप्लाई कर दिया प्रेशर, और टेम्परेचर क्या हो गया आपका, कॉन्स्टेंट। अब उसके बाद जब मैंने थोड़ी देर के बाद देखा, प्रेशर अप्लाई करने के बाद ये जो पिस्टन है वो नीचे को मूव कर गया यहां से यहां तक मूव कर गया। ठीक है, पहले जो मेरा पिस्टन था वो यहां पर था, ओके। अब जो मेरे पास वॉल्यूम कितना हो गया, इतना वॉल्यूम, ये डिफरेंस आ गया, दिस इज योर V2, हम इसको वॉल्यूम क्या बोलेंगे, V2 बोल देते हैं, क्योंकि आपका जो पहले वाला पिस्टन था वो यहां पे प्रेजेंट था। मैं इस दूसरे पेन से आपको शो करके दिखाती हूं, यहां पे प्रेजेंट था, ओके। ये आपका, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन थी, ये आपकी सेकंड कंडीशन, मतलब इसका मतलब ये क्या आ गया आपका, V2 आ गया। ये अगर V1 है तो ये जो चेंज आया इट वो क्या है आपका, V2 हो गया, जो चेंज हो गया आपका वो V2 के अंदर हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये अप्लाइंग प्रेशर, जब हमने प्रेशर को अप्लाई किया तो वॉल्यूम चेंज हुआ,
मतलब वॉल्यूम बढ़ा या कम हुआ? ऑब्वियस सी बात है कम हो गया, डिक्रीज हो गया। वी वन की वैल्यू ज्यादा है वी टू से, देखने में ही लग रहा है वी वन इतना बड़ा है और वी टू इतना छोटा सा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब ये है, इट मीन्स ऑन अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर को अप्लाई करने पर, ऑन अप्लाइंग प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस। बस यहां पे मैंने कंडीशन क्या लगा दिया है, कंडीशन अप्लाई क्या कर दिया आपने, कंडीशन की टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, अगर टेम्परेचर हमने कांस्टेंट नहीं रखा तो क्या होगा, अगर अगर स्टूडेंट्स आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखा तो नीचे से अगर आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो आपके ये मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी गेन करने की वजह से जो आपने प्रेशर अप्लाई किया वो कम हो जाएगा, ये खुद इसको ऊपर को मूव करने लगेंगे। ठीक है, ये आपको ऊपर को मूव करने लग जाएगा। तो इसीलिए कंडीशन देखने के लिए मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया एंड आपके नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट कर दिए, नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोल्स मैंने और एक्स्ट्रा गैस या एक्स्ट्रा मोल्स गैसेस के इसके अंदर नहीं डाले हैं। फाइन, तो यहां से मुझे पता लगा कि प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, है ना। तो अगर हम इसको देखें मैथमेटिकली केमिस्ट्री के टर्म में बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बोल सकते हैं कि नहीं। तो यहां से मुझे ये पता लगा कि जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के क्या है, बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, और ये एक साइंटिस्ट है हमारे बॉयल्स, जिन्होंने ये लॉ दिया था, बॉयल्स लॉ, जो बोलता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बट यहां पे आपको लॉ लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ इतना याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम वॉल्यूम के साथ देखते हैं कि इसका क्या रोल है। नेक्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड केस लेते हैं। अब हम सेकेंड केस के अंदर मान लीजिए मैंने ये कंटेनर लिया, ये वही सेम सिलेंडर लिया, इसको बंद कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो ये गैसेस मॉलिक्यूल्स इस तरह से प्रेजेंट है, आपको ये दिख रहे हैं यहां पर, लीजिए ये। अब मैंने क्या किया, इस गैसेस मॉलिक्यूल्स के अंदर मैंने अब नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट वेरिएबल जो कॉन्स्टेंट किया दैट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैंने क्या कर दिया, कॉन्स्टेंट कर दिया। ओके, वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट कर दिया और मैं नीचे से यहां पर हीट प्रोवाइड कर रही हूं इसको, ये आप यहां से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इसको। ठीक है, नीचे से मैंने इसको हीट किया, जब मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया आई ऑब्जर्व्ड, मैंने क्या ऑब्जर्व किया, अच्छा हाँ, वॉल्यूम के साथ आप नंबर ऑफ मोल्स को भी कांस्टेंट कर दें, कांस्टेंट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अगर आप बढ़ा दोगे तो फिर पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, आई ऑब्जर्व ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर जैसे ही मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो प्रेशर भी इंक्रीज हो गया, प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस, दिस इज गे लिसेक्स लॉ अकॉर्डिंग टू स्टेट्स ऑफ मेटल। जो हमारे साइंटिस्ट थे, गे लिसेक्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ दिया था कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, या प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, प्रेशर भी इंक्रीज हो गया अपने आप। इसका मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहां से तो यही चीज क्लियर हो रही है। और यहां पर कंडीशन क्या होगी, एट कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या है, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम को आपने क्या कर दिया, कॉन्स्टेंट कर दिया। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मुलेशन ये हो गई। ठीक है, और थर्ड केस की अगर हम बात करें तो थर्ड केस के अंदर हमने क्या किया, इसी सेम कंटेनर के अंदर मैंने बाहर से कुछ नंबर ऑफ मोल्स डाल दिए। ठीक है, कुछ नंबर ऑफ मोल्स आप यहां पे डालने इसको स्टार्ट कर दो, ये सिर्फ एक अजम्पशन थ्योरी है। ओके, नंबर ऑफ मोल्स आपने इसमें डाल दिए तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, एक बेंच के ऊपर अगर तीन बच्चे आ सकते हैं, तीन बच्चे बैठ सकते हैं, तो फोर्थ वन अगर वहां पे आएगा तो उस बेंच पे प्रेशर हो जाएगा, उन बच्चों के बीच में प्रेशर अप्लाई, प्रेशर आ जाएगा उनके अंदर कि अब ये कहां बैठेगा। ठीक है, तो उसी तरह से अगर इस कंटेनर के अंदर इतने मोल्स थे, नंबर ऑफ मोल्स, तो आपने एक्स्ट्रा मोल्स, एक्स्ट्रा, दीज आर एक्स्ट्रा मोल्स, एक्स्ट्रा मोल्ड अगर आपने ऐड कर दिए तो इस सिस्टम के अंदर प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर इंक्रीजेस। तो हम यहां से ये भी बोल सकते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ये कोई लॉ नहीं है, ये इसको जस्ट ऐसे ही मैंने समझाने के लिए यूज किया, लेकिन यहां पे मैंने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रख दिया। ठीक है, टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखेंगे, जब कुछ अप्लाई नहीं करोगे तभी तो नंबर ऑफ मोल्स आपके अंदर एंटर करेंगे, टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट होगा और आपका वॉल्यूम भी कॉन्स्टेंट होगा।
क्लियर है, आपने इसका कंटेनर का वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखा है, कांस्टेंट चेंज नहीं किया, बस आप बाहर से एक्स्ट्रा वो ऐड कर रहे हो। तो जैसे ही आप ऐड करते जाओगे तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, मेरे पास तीन थे। फर्स्ट जो मैंने देखा था कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। सेकेंड मैंने जो चीज देखी थी वो मैंने देखी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, एंड थर्ड मैंने फाइंड आउट किया अज्यूम करके प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन करके देखते हैं कि क्या होता है, कि अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करती हूं तो क्या बन रहा है। तो देखिए प्रेशर सब में कांस्टेंट कॉमन है, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यही होगा, क्लियर है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एन अपॉन वी, बिल्कुल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाइन। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए मैं यहां पे लगाऊंगी आर, जो R क्या है, मेरा गैस कांस्टेंट, गैस के लिए यही कांस्टेंट यूज किया जाता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोला जाता है, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब हम R को यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रेशर इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी, इसका लिख सकती हूं। तो इस V को अगर मैं इधर ले जाऊं तो इक्वेशन क्या बनेगी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, आपकी इक्वेशन एज इट इज फाइंड आउट होगी। लीजिए आपकी आइडल गैस इक्वेशन आपको मिल गई, ठीक है। तो समझ में आया कि हम किस तरह से हमने पीवी इज इक्वल टू एन आर टी फाइंड आउट किया, क्लियर है। तो बस अब आप इतना ही याद रखें कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी इस तरह से आप फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, राइट डाउन इन योर नोटबुक्स। चलिए स्टूडेंट्स, हमने समझ लिया कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कैसे आपका फाइंड आउट हुआ है, कैसे हमने उसको इवेल्युएट किया है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन हमने क्या फाइंड आउट कर दी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जहां पर पी आपका प्रेशर ऑफ द गैस, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर आपका गैस कॉन्स्टेंट, एंड टी इज योर टेम्परेचर। अब देखिए, अब मुझे यहां पर फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू अब हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आर की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो हमारे पास वैल्यूज तो गिवन नहीं है, तो चलो वो स्टैंडर्ड वैल्यूज ले लेते हैं यहां पे, ओके। तो लेट पी इज इक्वल टू वन एटमोस्फेयर, पी कितना आ गया आपका, वन एटमोस्फेयर मान लिया हमने, ठीक है। एसटीपी कंडीशंस लें, टेम्परेचर 273 केल्विन, ओके, स्टैंडर्ड कंडीशंस में टेम्परेचर को 273 केल्विन ले लिया, और नंबर ऑफ मोल्स हम क्या ले लेते हैं, वन ले लेते हैं किसी भी वन के लिए, ठीक है। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स, ये आपका आ गया वॉल्यूम। तो देखिए हमें इक्वेशन पता है क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये आपकी इक्वेशन है, हमें आर फाइंड आउट करना है, एन और टी को इसके नीचे लेकर जाए, क्योंकि वो यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है आर के साथ, तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो पीवी अपॉन एन टी इज इक्वल टू आर, आपकी ये इक्वेशन बनेगी आर को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो देखिए जरा वैल्यूज पुट करेंगे, प्रेशर कितना है, प्रेशर आपको वन एटमोस्फेयर गिवन है, प्रेशर आपको वन एटमोस्फेयर, तो वन इंटू वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, वन, और टेम्परेचर कितना है, 273 केल्विन, ओके। तो यहां से आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको इसको मल्टीप्लाई होके 22.4 डिवाइडेड बाय 273 आ जाएगा, तो डायरेक्ट आप इसको कैंसिल आउट करिए, कैंसिल आउट करके आप डिवाइड करके देखिए, तो आपका आंसर जो आएगा 0.082 आएगा, ठीक है। और इसके यूनिट्स क्या आएगी, यूनिट आएगी एटमोस्फियर लीटर मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। अब आप सोच रहे हैं इतनी बड़ी यूनिट जो है ये कहां से आ गई, तो इसको भी देख लेते हैं, हमें पता है कि पीवी अपॉन एन टी इज इक्वल टू आर, प्रेशर क्या होता है आपका एटमोस्फेयर, वॉल्यूम क्या होता है लीटर, डिवाइडेड बाय एन क्या होता है मोल्स, और टेम्परेचर क्या होता है केल्विन, ठीक है। तो इसको अगर हमने एक साथ लिखना होगा तो किसकी यूनिट है, ये आर की यूनिट है, इज इक्वल टू आर, तो आर, आर की यूनिट क्या हो जाएगी, एटमोस्फेयर लीटर, मोल ऊपर जाएगा तो मोल का इनवर्स, ठीक है, और केल्विन इनवर्स। तो ये आपने डराइव कर ली इसकी यूनिट, क्लियर है, ये आपने इसकी क्या डराइव कर ली, यहां से इसकी यूनिट भी आपने डराइव कर ली, ओके, वेरी इजी, ठीक है। तो इसको जल्दी से अपनी कॉपीज में, नोटबुक्स में नोट डाउन कर लीजिए, यहां पे आपकी आइडल गैस इक्वेशन खत्म होती है, आपको आर की वैल्यू पता लगी, गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू पता लग गई है, ठीक है, और आपको टेम्परेचर और प्रेशर तो पता लग ही जाएंगे क्वेश्चन के अंदर, फाइन।
और हाँ एक और चीज कि ये जो वैल्यू है आपकी 0.082 ये फिक्स होती है हर एक गैस के लिए, इन केस आपको एटमॉस्फेयर में प्रेशर गिवन हो, वॉल्यूम लीटर्स में गिवन हो और टेम्परेचर केल्विन में गिवन हो, ठीक है। एटमॉस्फेयर लीटर अगर है तो आपकी ये वैल्यू हर एक गैस के लिए फिक्स होती है, ये पर गैस चेंज नहीं होगी, ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। फाइन, तो चलिए अब जल्दी से आप नोट डाउन कर लें और अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करना स्टार्ट कर दें।